चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद पुलिस की ओर से लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला जागरूक वैन को हरी झंडी दिखाकर डीसीपी हेडक्वार्टर ने रवाना किया है। ये जागरूक वैन हर इलाके में जाएगी और महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को लेकर उन्हें जागरूक करेगी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 7 थाना का है, जहाँ पर डीसीपी हेडक्वार्टर, एसीपी बल्लभगढ़ और एसीपी साइबर सेल की मौजूदगी में महिला विरुद्ध अपराधों को लेकर महिला जागरूक वैन को हरी झंडी दिखाई गई। और इस मौके पर डीसीपी हेडक्वार्टर ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस लगातार महिला विरुद्ध अपराधों पर सख्ती बरत रही है और लगातार महिलाओं को महिला विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में ये महिला जागरूक हुए और फरीदाबाद के हर इलाके में ये वैन जाएगी और महिला विरोध अपराध को लेकर महिलाओं को जागरूक करेगी। पुलिस पूरी तरीके से महिला सुरक्षा के लिए लेके सतर्क है, तो इस बार एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एज अ CSR इनिशिएटिव गुडियर की तरफ से और जो हमारी नवज्योति फाउंडेशन है और एक SPEFL फाउंडेशन है, इन्होंने मिलके एक हमें जो वीडियो वैन है वो एज अ CSR दिया है, जिसमें हम वुमेन रिलेटेड अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है वो हम करेंगे। ये जो वीडियो वैन है इसमें हम जितने भी अवेयरनेस रिलेटेड लोगों की काउंसलिंग के लिए वीडियोस को बनाया जाएगा इनमें, और जितने भी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं या फिर मार्केट एरियाज हैं उनमें इस वीडियो को चलाया जाएगा ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन के लिए सेंसिटाइजेशन हो और अवेयरनेस फैले। चुप्पी तोड़े खुलकर बोले, ये टैगलाइन भी हम देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या महिलाएं इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ पाएंगी, अपने साथ हो रहे अत्याचार को खुलकर कह पाएंगी? देखिए, इस टैगलाइन से बड़ा ही अच्छा मतलब निकलता है कि लोग, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सेफ़ फील करें और अगर उनके साथ कोई भी इशू होता है तो वो संकोच नहीं करें और अपनी कंप्लेंट को महिला पुलिस स्टेशन में, महिला हेल्प डेस्क में आकर खुल के दे, और उस पर वो हमसे यही हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो सेफ़ फील करें और हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे जिससे उनको और बेहतर